मैं ये बात पहले कंप्लीट कर दूं कि जो जिसका मसला है ना वो समझता है दुनिया का हर मसला बस यही है, तो ये मज़हबी लोगों में भी है थोड़ा सा फॉल्ट। वो समझते हैं, देखो मज़हब ने हर चीज़ में हमें गाइड तो किया है, किसी चीज़ में हमें लवारिस नहीं छोड़ा, लेकिन ये गाइडेंस मज़हब की बाज़ दफ़ा बराह रास्त होती है, बाज़ दफ़ा ऐसे होती है कि मज़हब ख़ुद बता देता है कि इस मसले में आप इस फील्ड के माहिरीन से राबता करो। मज़हब ख़ुद बता रहा होता है कि इसमें मज़हब बराह रास्त बात नहीं करेगा, बल्कि मज़हब क्या बताएगा कि इस मसले में जो इसके माहिरीन है चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो उनसे राबता करो। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ मज़हबी लोग कहते हैं कि मज़हब ने हर चीज़ बताई है, खरबूजे के फ़ज़ाइल भी कौन बताएगा? मज़हब बताएगा? ऐसा थोड़ी है भाई। क्योंकि आज हम देख रहे हैं तिब की जो किताबें आ रही हैं ना तिब नबवी के नाम से, उनमें मौजू मनगढ़ंत हदीसों की भरमार है। शहद के फजाइल लिखे होंगे तो सुबह निहार मुँह चमचा डाल के पीने से ये फ़ायदा, भाई कौन सी हदीस में आता है निहार मुँह चमचा ये फ़ायदा? शुगर के मरीज़ पी रहे और इन्ना लिल्लाह हो रहा है और कह रहे मैंने हदीस पर अमल किया। जब शहद पियोगे तो शुगर तो बढ़ेगा ना तुम्हारा। कलौंजी के बारे में हदीस में आता है हर बीमारी से शिफा है, बस कैसे है, कितनी मिकदार में खानी है, किसने खानी है, ये आपको डॉक्टर हकीम बताएंगे। ये हदीस हर मसले में क्या डाली जा रही है? कलौंजी। कोरोना का इलाज कलौंजी से, और अल्लाह भला करे। इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, उससे समझ में आएगी बात। ये जो रूहानी आमिल है ना हर मसले में कुरान की आयत बता रहे होते हैं, ये मसला अटक गया तो ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ो। कल किसी रूहानी आमिल का मुझे किसी ने बताया कि वो तो कुरान से बताते हैं और कुरान में तो शिफा है। मैंने कहा कुरान में तो शिफा है, लेकिन ये जो रूहानी आमिल ने आपको बताया कि कुल हू अल्लाह उहद 356 दफ़ा सुबह पढ़ोगे तो बेटी की शादी हो जाएगी, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में कुल हू अल्लाह लिखी हुई है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 356 दफ़ा पढ़ने से बच्चियों की शादियाँ हो जाती। इसके लिए आपको मेरे बयान सुनने पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है कुरान में कि वो तुम्हें बताएगा कि कुरान में शादियों के लिए उसूल अल्लाह ने क्या बताया। वो कुल हू अल्लाह नहीं बताई, वो आय निकाह की आयतें बताई हैं, वो वाली आयतें जो आपको मैं सुबह शाम पढ़ पढ़ के सुनाता रहता हूँ। रूहानी आमिल उल्लू बना रहे हैं लोगों को, तबीयत